अभी सुनाई दे रहा है आप लोगों को। तो शुरू करने के लिए आपने कुर्सियों में सीधे बैठ रखिएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर गर्दन कंधे पीठ सब एक चीज में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें हल्की से बंद। कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर का ख्याल कीजिए, सर का ख्याल, गर्दन का ख्याल, भुजाओं का ख्याल, हाथी का ख्याल, पेट, कमर, पैर, पूरा शरीर, सर से लेकर के पैरों तक पूरे शरीर का ख्याल। अपनी चेतना को श्वास प्रश्वास पर ले आइए। हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और हम जान रहे हैं कि हम श्वास ले रहे हैं और हम जान रहे हैं कि हम श्वास छोड़ रहे हैं। सजगता पूर्वक श्वास प्रश्वास। चेतना को भ्रूमध्य में ले आइए, जहां हम लोग टीका लगाते हैं, तिलक करते हैं, और इस स्थान में हम लोग एक चमकते हुए ज्योति का ख्याल करेंगे, और इस ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग तीन बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात शांति मंत्र और फिर लंबी गहरी श्वास। उष्णता का अनुभव हथेलियों से आंखों में, आंखों से मस्तिष्क में, मस्तिष्क से पूरे शरीर, और फिर धीरे से हथेलियों को हटा दीजिएगा, आंखों को खोल दीजिए। हरिओम तत्सत, नमो नारायण। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जीवन शैली से होने वाले बीमारियों के विषय में। तो जीवन शैली क्या है? हम लोगों ने तो आजकल इसके विषय में बहुत बात करते हैं ना, जीवन शैली अपनी, सही जीवन शैली अपनाओ, जीवन शैली में बदल करो। ये जीवन शैली क्या होती है? कोई अपने विचार बता सकेगा आप लोगों में से? कोई डेली एक्टिविटीज, ओके, सही समय से सोना, उठना, जंक फूड खाना, वो बैड बैड लाइफ स्टाइल। आप लोगों में से कुछ कुछ लोग इसको, हम लोग हिंदी में जीवन शैली बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
लाइफ स्टाइल, ये शब्द स्टाइल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपने लेटर्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स करते हैं, तो उसमें एक आता है स्टाइल्स करके आता है। तो इस स्टाइल्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका फॉन्ट बदल सकते हैं, उसका कलर बदल सकते हैं, तो अनेक चीजें होती हैं। और ये करने से क्या होता है, कलर बदलने से, फॉन्ट बड़ा छोटा करने से क्या फर्क पड़ता है, सामने वाले को जो हम कहना चाहते हैं वो तुरंत समझ में आ जाता है। जीवन शैली का मतलब है कि जीवन जीने की कला, जिससे हम जो हम चाह रहे हैं वो प्राप्त हो, और जो हम लोगों को प्रस्तुत करना चाहते हैं वो लोगों को आसानी से समझ में आए। अगर हम लोग ऐसा कोई फॉन्ट यूज करते हैं जो पढ़ने में दिक्कत है, तो हम बहुत अच्छी चीज लिखे हैं लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रही, उससे नतीजा क्या होता है, आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो गया, या आपके लेटर का वैल्यू नहीं रहा, रिजेक्ट हो जाता है। तो हम लोगों को जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सही स्टाइल का उपयोग करना जरूरी है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए जो जो हम लोगों को करना पड़ता है वो सब जीवन शैली के अंतर्गत आता है। और अगर जीवन शैली गड़बड़ा जाती है तो क्या होता है, जैसे लेटर में बात किए थे, मान लीजिएगा बहुत सुंदर आपने लिखा है, फॉन्ट भी बहुत सुंदर है, सुवाच्य फॉन्ट है, लेकिन बैकग्राउंड आपने ऐसे डाल दिया कि आपके अक्षर उसी में हो गए, मर्ज हो गए, तो सामने दिखाई नहीं दिया, रिजल्ट नतीजा नहीं आता है, एग्जाम दे रहे हैं तो फेल हो जाएंगे, लेटर दे रहे हैं रिजल्ट खराब आ जाएगा। अपने जीवन में इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जीवन में हम क्या क्या करना चाहते हैं, जीवन में हमारे जीवन में क्या क्या हम करना चाहते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर हम आप में से किसी को भी पूछेंगे, आप सुबह से लेकर के शाम तक जो चीज करते हैं क्यों करते हैं, उदर निर्वाह के लिए, उदर निर्वाह के लिए, केवल केवल उदर निर्वाह के लिए करते हैं क्या, उदर निर्वाह है फैमिली की देखभाल, परिवार की देखभाल और बाकी समाज एक कुछ जिम्मेदारियां है, वो जिम्मेदारियां ठीक है वो भी सही बात है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उदर निर्वाह क्यों करना चाहते हैं, उससे आपको क्या मिलेगा, जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसकी क्वालिटी है, आनंद मिलता है, सबसे आनंद मिलता है, हम खाना खाते हैं सुख और आनंद मिलता है, रोटी भी खाते हैं सूखी रोटी खा सकते हैं, उसको हमको घी के साथ क्यों खाना चाहिए, अच्छा लगता है, करेला के साथ भी खा सकते हैं, बढ़िया मीठे सब्जी के साथ क्यों खाना चाहते हैं, या किसी को चमचमा खाना लगता है तो उसके साथ क्यों खाते हैं, अच्छा लगता है, इसके लिए मतलब आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त करना इसका मतलब है कि हमारे अंदर में जो चाहत है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन शैली में ये जब हम कार्य करना चाहते हैं उस समय में इसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं, इसमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे आपने बताया कि हम उदर निर्वाह के लिए है, परिवार का पालन पोषण है, कार्य के लिए है, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए हम करना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आ जा सकता है, कठिनाई क्या आ सकती है, आप लोगों में से कोई जीवन शैली में कुछ कठिनाई आ सकती है क्या, बीमार
we might not be in harmony with what we want while we are trying to do what we are trying to do. Man, aap log sahmat hai isse? You agree with this? Do you agree? Yes. Couldn't get what he said. Yeah, he said that we do what we do because we need to achieve things. And the problems which can come into that could be because we are not in harmony with what we are doing and what our inner requirement is. So when there is that disharmony, then there can be a problem. That's very well put. And in fact, जब आज हम आ रहे थे तो गाड़ी में आ रहे थे तो जिनकी गाड़ी थी उनके साथ गप हो रहा था. गाड़ी में बहुत दिक्कत हो रही थी. वो बोल रहे थे कि मेरा गाड़ी का जो चक्का है वो हमेशा घिसते जाता है और एक ही साइड में घिसते जाता है. मैं मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ तो वो उसके ऊपर वो थोड़ा सा रीसोलिंग कर देते हैं, रिटायरिंग कर देते हैं, लेकिन एक डेढ़ महीने में फिर से हो जाता है. उसके बाद में गाड़ी में बुश खराब होना शुरू हो जाता है. उसके बाद में गाड़ी जो मेरी एकदम साए साए पहले चलती थी वो गाड़ी अब बहुत धीरे चलती है, गर्म हो जाती है. हम मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, बुश चेंज कर देता है, ये सब चीज कर देता है, फिर भी ठीक नहीं होता है. तो हमने एक चीज पूछा कि जो आपका चक्का घिसता है वो सब जगह में घिसता है या कोई एक स्थान में घिसता है? बोले कि नहीं, वो टायर के अंदर भाग में घिसता है. पहले होता था? नहीं होता था. तो हमने बोला कि आप एक्चुअली उस समय में मेरे बगल में एक और टीचर लोग जा रहे थे तो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे. उन्होंने हम बात ही कर रहे थे, उन्होंने टोक दिया बीच में और बोले आपने अपने गाड़ी का अलाइनमेंट चेक कर लिया है क्या? Have you checked the alignment of your vehicle, the wheels, the bushes, wheel alignment? If it is not done, this is what happens. So mechanic जो है वो अपना हल्का फुल्का कर रहा था, लेकिन एक इंजीनियर है जो पीछे में जाकर के एक दो कदम पीछे जाकर के देख लिया कि चक्के में घिस रहा है, बुश खराब हो रहा है, गाड़ी का एफिशिएंसी खराब हो रहा है. प्रॉब्लम क्या हो सकता है? व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ा गया होगा. व्हील अलाइनमेंट उन्होंने ठीक कर दिया, सब ठीक हो गया. तो ये चीज जो है ना, हम अपने जीवन में जो हम करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो आपने बताया कि हार्मनी नहीं होगी तब ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं. और हमारे जीवन में वो कैसे प्रस्तुत होते हैं? डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, पेट गड़बड़ हो जाता है, पतली हो जाती है, मोटापा आ जाता है, जॉइंट पेन्स हो जाते हैं. और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे दवाई खाओ, जब तक दवाई खाते हैं ठीक होते हैं, उसके बाद फिर से जैसे थे वैसे. पर धीरे 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 बात ऐसी इतनी हो गई कि ये सब जगह होना शुरू हो गया. जैसे हम आपसे पहले बात कर रहे थे कि आजकल हम लोग ये नहीं पूछते हैं आपको डायबिटीज है क्या, हम ये आजकल पूछते हैं आपका शुगर कितना है. ये मान लेते हैं कि लगभग सबके पास डायबिटीज है. क्यों? सही बात है ना. ये क्यों होता है? आज से 50 60 100 साल पहले भी हम लोग जीते थे, लेकिन उस समय ये प्रॉब्लम नहीं होता था. अब प्रॉब्लम हो रहा है. क्यों? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, मोटापा, ये सब आजकल इतना क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम अपने जीवन के जो मशीन है उस मशीन को अलाइनमेंट में नहीं चला रहे हैं. और गाड़ी का ही उदाहरण ले तो पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें आप डीजल भर दीजिएगा, क्या होगा? पूरा धुआं फेंक देता है. हम वो चीज कर रहे हैं. हमारी गाड़ी पेट्रोल की है, हम डीजल भर देते हैं, धुआं फेंक देता है. और धुआं फेंक देता है तो धीरे धीरे करके हर एक ऊर्जा गड़बड़ाना शुरू हो जाता है. अगर अब हम केवल उस ऊर्जे को ठीक करते जाएंगे तो हम जड़ को हाथ नहीं लगा रहे हैं. गाड़ी में डीजल भरते जा रहे हैं और कार्बन क्लीन करते जा रहे हैं, ठीक होने का नाम नहीं ले रहे.
ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। और वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर लोगों ने इस पर बहुत अनुसंधान भी किया और इस प्रकार के बीमारियों को उन लोगों ने एक नाम दे दिया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मतलब हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जब गड़बड़ी हो जाती है, उससे जो जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को उन्होंने मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल दिया। उन्होंने डायबिटीज नहीं बोला, हार्ट प्रॉब्लम डायबिटिक सिंड्रोम नहीं बोला, हार्ट सिंड्रोम नहीं बोला, ओबेसिटी सिंड्रोम नहीं बोला, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला। क्यों? क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक सिस्टम जब गड़बड़ा जाती है तब ये सब एक एक करके होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा पहले का उदाहरण था, गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट खराब हो गया, वो चक्का घिसना शुरू हो गया, कुछ खराब होना शुरू हो गया, गाड़ी का कैपेसिटी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो गया। तो बीमारी अलग अलग है, मेटाबॉलिज्म ये शब्द तो आप लोगों ने सुना होगा। रॉ मटेरियल प्रोसेस इट, ब्रेक इट डाउन इनटू बेसिक कंपोनेंट्स एंड ब्रिंग इट इनटू द फाइनल कंपोनेंट्स एज इज नीडेड। मतलब रॉ मटेरियल हम उठा करके ले आए हैं, बहुत बार रॉ मटेरियल को तुरंत हम लोग फैक्ट्री में नहीं डाल सकते हैं, उसको हम लोगों को थोड़ा सा अलग अलग करना पड़ता है, अलग करके बेसिक कंपोनेंट्स में उसको तोड़ लिया, उसके बाद में फैक्ट्री में डाल दिया, उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया। ये मेटाबॉलिक्स मेटाबॉलिज्म। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? आपको ईंटों की जरूरत है तो आपने फैक्ट्री में बोला हमको ईंटा चाहिए। जब आप ईटा इस्तेमाल कर रहे हैं, ढेर सारा ईटा ले रहे हैं, तो ईटा के साथ में कोई भी फैक्ट्री के साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और वेस्ट प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा होते रहेगा और वो वेस्ट प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही पड़ा रहेगा तो फैक्ट्री में दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। आदमी को जाने के लिए, जाने आने के लिए दिक्कत करेगा, लोहा पड़ा होगा उस पर से गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वही चीज शरीर में हो जाता है। हमारे लिए जो शरीर के लिए काम करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के लिए हमारा शरीर, जो हम खाना खाते हैं, जो हम श्वास लेते हैं, जो हम पानी पीते हैं, उसको बेसिक कंपोनेंट्स में ब्रेक करके रिक्रिएट करते हैं। जो जो जैसे जैसे जरूरत है उस प्रकार से करते हैं। हमारी जरूरत अब एक साइड में ज्यादा होना शुरू हो गई, जब एक साइड में ज्यादा शुरू हो गई दूसरे साइड में कम हो गई, तो हम आजकल क्या करते हैं, शारीरिक काम कम होता है, बुद्धि का काम ज्यादा हो जाता है, तो केवल बुद्धि के लिए हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, बाकी शरीर के लिए एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो बाकी शरीर में दिक्कत आना शुरू हो गया। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा एक साइड में जाता है, बीमारी आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपका इंसुलिन, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में पूरे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ये सोचने में गलत है कि इंसुलिन से केवल शुगर मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर परिणाम पड़ता है। इंसुलिन से पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये जो तीन बड़े चीजें हैं उन पर परिणाम पड़ता है। तो जब आपको शुगर, क्योंकि मस्तिष्क का जो काम होता है, मस्तिष्क में केवल ग्लूकोज एनर्जी के रूप में यूज किया जा सकता है, तो ग्लूकोज ज्यादा शुरू हो गया, जब ग्लूकोज ज्यादा शुरू हो गया बाकी में दिक्कत हो गया, धीरे धीरे मोटापा आना हो गया, धीरे धीरे शुगर ज्यादा है डायबिटीज हो गया, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। केवल इंसुलिन का बात नहीं, एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार में बीमारी आते जाती है। अब ये बीमारी डॉक्टर लोगों ने देख लिया,
आप लोगों को भी मालूम होगा, आप लोगों को तो अंदाज तो होगा ना कि शुगर के चलते डायबिटीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन होता है, हार्ट प्रॉब्लम होते हैं। और हम लोगों को ये भी मालूम है कि हम लोगों को थोड़ा सा कसरत करना चाहिए, हम लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। सबको मालूम है ना, या ऐसे कोई है जिनको कल्पना ही नहीं है कि हम लोगों को अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना पड़ता है? ऐसे कोई है जिनको इसकी कल्पना नहीं है? सब लोगों को मालूम है, लेकिन होता है क्या? होता है? कितने बार हम लोगों को मालूम है कि देखो भाई मुझे डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, वो मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी अगल बगल में कोई है नहीं, धीरे से खा लेते हैं। होता है ना, मेरा वजन बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम खा लेते हैं। क्यों क्यों खाते हैं? मन नहीं मानता है, है ना, मन नहीं मानता है। यही बात एक बार भगवान कृष्ण और दुर्योधन की बात हो रही थी, शायद जब शांति भूत बनकर के गए होंगे उस समय की बात होगी। उस समय में ऐसे ही शाम को बैठे थे भगवान और दुर्योधन, और भगवान एक बार ऐसे ही बोल गए, अरे दुर्योधन ये सब चीज क्यों करते हो, सब जो दुष्टता है क्यों करते हो? तो दुर्योधन भी एकदम रिलैक्स मूड में था, सीधा जवाब दे दिया। उन्होंने बोला जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम जानामि अधर्मम नचमे निवृत्ति। मतलब मैं जानता हूं कि ये धर्म की चीज है, ये सही चीज है। धर्म यानी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, धर्म मेरे ड्यूटी, ये सही चीज है, ये करना चाहिए, ये मालूम है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। मैं ये भी जानता हूं कि वो गलत चीज है, लेकिन उससे मेरा मन हटता ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये मेन प्रॉब्लम है। दुर्योधन भगवान कृष्ण को शरण नहीं गए थे। भगवान कृष्ण कौन है? सत सत विवेक और मार्गदर्शन और अर्जुन शरण गए। इसीलिए महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में जब तब अर्जुन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, अगर आप अर्जुन के साथ नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था उसके बावजूद उठ करके खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि उनको एक मार्गदर्शक मिला, एक सही दिशा देने वाला, प्रैक्टिकल दिशा देने वाला मिला, दुर्योधन के पास नहीं थे। इसीलिए हमारे जीवन में हम लोगों को इसकी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, हम सब चीज जानते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हम नहीं कर पाते तो लेना है। उसका मतलब है हम लोगों को कोई मार्ग स्वामी जी म्यूट पे है, अनेबल टू हियर। आर यू एबल टू हियर मी नाउ? यस यस नाउ, थैंक्स। ओके या सो हमको मार्गदर्शक जो चाहिए वो जानकारी के लिए नहीं चाहिए, जानकारी तो हमारे पास में है, लेकिन कैसे करें इसका मदद, इसकी मदद चाहिए। और मन को गाइड करने का अगर कोई साधन है तो आज की तारीख में योग से बलशाली, योग से प्रभावशाली कोई भी चीज नहीं है। योग का मूल उद्देश्य मन को नियंत्रण में लाना है। आसन प्राणायाम ये योग का उद्देश्य नहीं है, योग का उद्देश्य मन को नियंत्रण में लाना है।
मन को कैसे नियंत्रण में लाएंगे? मारपीट करके नहीं। गुरुजी बोलते थे मन एक बलशाली हाथी की तरह है। हाथी के साथ आप जोर जबरदस्ती कर सकते हैं क्या? उठा करके पटक देगा आपको। हाथी के साथ में आपको दिमाग से काम करना पड़ता है, उसको बहला फुसला करके आपके वश में, आपके नियंत्रण में लाना पड़ता है। अपने मन को, मन के साथ दोस्ती कैसे करना, मन को हमारे नियंत्रण में कैसे लाना, ये हम लोगों को योग के द्वारा प्राप्त होता है। और इसी के द्वारा हम अपने बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारी जीवन शैली, हमारा पूरा जीवन अलाइनमेंट से बाहर हो गया होता है, उसको अलाइनमेंट में लाने का काम योग करता है। और योग के अलग अलग अनेक आयाम हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान, रिलैक्सेशन, ये कुछ आयाम हैं। लेकिन बीमारियों से लड़ने के लिए, बीमारियों से जूझने के लिए हम लोगों को चार चीजों की आवश्यकता होती है। पहली चीज, मेडिकल केयर। देखिए जी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, ये सब चीजों को आप अपने मन से ना ठीक करें तो ही बेहतर है। क्योंकि ये ऐसे बीमारियां हैं, अगर ख्याल नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और एक्सीडेंट का मतलब है जान से खेल बैठ सकते हैं या उसके समान कोई चीज हो सकता है। इट कैन बी अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। दे आर नोन एज द साइलेंट किलर्स, सो यू कांट प्ले अराउंड विद देम, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो फर्स्ट थिंग इज प्रॉपर मेडिकल केयर, सेकेंड थिंग इज डाइट, आहार। थर्ड थिंग इज जो हम लोगों ने पहले बात की थी, जीवन शैली। तीन चीज हो गए, लेकिन ये तीन चीज अगर चौथी चीज नहीं हो तो नहीं हो। और चौथी चीज है मैनेजिंग द माइंड पैटर्न्स, मन के वृत्तियों को हम लोगों को वश में लाना जरूरी है। क्यों? एक स्टडी हुआ था, मन कितना बलशाली है उसके बारे में बताते हैं। There were some athletes. These athletes, in this study, what they did was they put probes and check what changes are taking place in the hormones, in the neurotransmitters, in the muscles when the athletes are running. इन लोगों ने अलग अलग प्रोब लगा करके जब एथलीट दौड़ते हैं उस समय उनके अंदर में क्या क्या परिवर्तन होता है उसको देखा। उसके बाद उन एथलीट्स को बोला, लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिएगा और कल्पना कीजिएगा कि आप दौड़ रहे हैं। और एकदम जो लोग पूरा कल्पना कर सकते थे, जिस उतनी पूरा मैक्सिमम विजुअलाइजेशन कीजिएगा। और उस समय उनके सब प्रोब्स लगाए थे और आश्चर्य की बात कि जो जो परिवर्तन व्यक्ति दौड़ रहा था उस समय उनके शरीर में हो रहा था, वही परिवर्तन जब व्यक्ति लेटा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था लेकिन केवल सोच रहा था कि मैं ये कर रहा हूं। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ विजुअलाइजेशन, जो लोग परफेक्ट विजुअलाइज कर सके उनके शरीर में सेम टू सेम चेंजेस आना शुरू हो गया। ये चीज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन में दिन भर सोचते रहते हैं, अरे उसने मुझसे ऐसे बात किया, ये गलत था, उसको मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। भले बाहर में आप मुस्कुरा रहे हैं, मन में तो सब झगड़ा चल रहा है। आपके मन में जब झगड़ा चल रहा है तो आपके फिजियोलॉजी में वही चीज हो रहा है। आपके फिजियोलॉजी में जब वही चीज होती है तब के अंदर में वही परिवर्तन हो जाता है। बाहर आप में ये चीज नहीं हो लेकिन अंदर में ये हो रहा है। भावनाओं के बारे में,
विचारों के बारे में, ये सब चीज जो होता है उससे परिवर्तन होते रहता है। आप बोल दीजिएगा हमें खाना ठीक से खा रहा हूं, मैं समय से उठ रहा हूं, मैं समय से सो रहा हूं, सब चीज कर रहा हूं, फिर भी बीमारी आती है। क्यों? क्योंकि मन में वही चक्कर चल रहा है। इस चक्कर को कैसे रोकना ये हमको सीखना है, और उस चीज के लिए हम लोगों को मेंटल पैटर्न्स को बदलना पड़ता है, वो चौथी कड़ी है। जब ये चारों चीजों को हम लोग लाइन में लाते हैं, तब आप देखेंगे एकाएक जादू की तरह परिवर्तन होता है। कुछ कुछ लोग हैं जिन लोगों ने ये किया था, हाल ही मेरे ख्याल से 15 दिन पहले उनसे बात हो रही थी, उनका HbA1c सुनकर तो मालूम होगा शुगर को नापने का एक पैरामीटर है, किसी का 10 था, किसी का 12 था, किसी का 11 था, काफी बढ़ा था, 6 नॉर्मल माना जाता है, इनका इतना ज्यादा था। 2 महीने के अंदर में इनका HbA1c नॉर्मल आ गया। क्यों? क्योंकि आपने वो चक्का को ठीक करने के लिए प्रयास नहीं किया, आपने बुश को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, आपने जो व्हील का अलाइनमेंट है, व्हील का अलाइनमेंट ठीक कर दिया, सब चीज ठीक हो गया। ये चीज हम लोग योग के द्वारा कर सकते हैं, आयुर्वेद के तथ्यों के द्वारा कर सकते हैं, और आधुनिक वैज्ञानिक जो वैद्यकीय प्रणाली है, तीनों को मिला करके उसको जब उपयोग करते हैं तब इसका परिवर्तन होता है। अभी आप कितने देर तक बैठे हैं? आधा घंटा हो गया होगा। हमारा शरीर जब इतना देर ऐसा बैठे रहता है, थोड़ा थोड़ा पीठ में दर्द होता है ना, कंधे में दर्द होता है, और दिन भर हम लोग बैठे रहते हैं, डेस्क जॉब रहता है 9 to 5, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? लगभग हर आधे घंटे में, पौने घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में थोड़ा सा अपने शरीर को हम लोगों को मूव करके ठीक कर देना चाहिए। और उसके लिए स्वामी जी ने, जिसको स्वामी जी ने बोला, जैसे बीमारी के लिए आप कैप्सूल खाते हैं ना, वैसे स्वामी जी ने योगिक कैप्सूल बोले हैं। वो कैसा कैप्सूल है? 1 या 2 आसन, 1-8 प्राणायाम, जो आप किसी भी समय कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, हम सब लोग उसको कर लेते हैं। 5 मिनट के लिए सब लोग सीधे बैठ जाइएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर सीधा, गर्दन, कंधे, पीठ, पूरे शरीर का ख्याल, आंखें हल्की से बंद है, श्वास प्रश्वास का ख्याल, शरीर में अलग अलग स्थान में जहां हल्का खिंचाव, दर्द, थकान अनुभव हो रहा है उसका ख्याल। अब धीरे से आप सब लोग खड़े हो जाइएगा, आंखों को खोल लीजिएगा, खड़े हो जाइएगा। दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं, पूरा शरीर शिथिल है, पैरों में 2 से 3 इंच की दूरी है, पैर के उंगलियां और पैर समान है, उंगलियां सामने की तरफ है, हाथ शरीर के बगल में है। 2 क्षण के लिए आंखों को बंद कर दीजिए, अपनी चेतना को पैरों में ले आइए, पैर के तलवों में ले आइए। जो लोग ऑनलाइन में हैं, आप लोग भी खड़े हो जाइएगा और इसका अभ्यास कीजिएगा, और थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा कि आपके पैरों में जो प्रेशर पड़ रहा है, क्या दोनों पैरों में समान प्रेशर आ रहा है? पहले पे ज्यादा है या बाएं पे ज्यादा है, आगे ज्यादा है या पीछे ज्यादा है? थोड़ा सा ख्याल कीजिए, तो देखिए तो क्या हो रहा है। क्या मैं दोनों पैरों पर समान वजन देकर के खड़ा हूं या खड़ी हूं? अगर नहीं तो अपने पोस्चर को थोड़ा सा हिला डुला करके, बदल करके देख लीजिएगा कि दोनों पैरों पर हम एक समान
अब धीरे से आंखों को खोल दीजिए। हम अभ्यास करेंगे, 3 राउंड करेंगे। अभ्यास का नाम है ताड़ासन। और ताड़ासन में पहले राउंड में हम लोग शारीरिक सजगता के साथ, अवेयरनेस ऑफ द होल बॉडी, हम जो जो करते हैं उसमें क्या हो रहा है, कौन से मसल्स का उपयोग हो रहा है, कहाँ खिंचाव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका ख्याल। दूसरे राउंड में श्वास प्रश्वास का ख्याल। और तीसरे राउंड में जो हम शारीरिक रूप में कर रहे हैं उसी को हम लोग मेंटली विजुलाइज करके करने का प्रयास। और शरीर और मन में जो एक्टिविटी है उसमें कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनिसिटी लाने का प्रयास। तो चलिए, दोनों हाथों को, उंगलियों को शरीर के सामने में मिला लीजिएगा। सजगता के साथ कौन से स्नायुओं का उपयोग हो रहे हैं उसका ख्याल करते हुए हाथों को सर के ऊपर ले आइएगा। उंगलियां अब हथेली आसमान की तरफ। अब हम लोग एक साथ में हाथों को भी, अब केवल देख लीजिएगा, हाथों को भी सीधा कर लेंगे और एड़ियों को भी जमीन से उठाएंगे, पैरों के बल खड़े हो जाएंगे, उंगलियों के बल। तो हम लोगों को यह इस प्रकार से करना है कि धीरे धीरे दोनों एक साथ होना चाहिए, एड़ियां उठा दिए फिर हाथ उठा दिए, नहीं, दोनों एक साथ। तो एक साथ धीरे धीरे हाथों को सीधा करना शुरू कीजिएगा, एड़ियों को उठाना शुरू कर लीजिएगा, शरीर का ख्याल। तो क्षण रुक जाइएगा और फिर नीचे एक और बार करेंगे। और इस बार ख्याल कीजिएगा कि कौन से मसल्स का ख्याल हो रहा है। और एक छोटा सा टिप, बैलेंस जो जाता है ना, तो जब आप खड़े हो जाते हैं तो पैर के जो दोनों अंगूठे हैं, अंगूठों पर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा दीजिएगा, अपने से आप देखेंगे कि आपका बैलेंस ठीक रहेगा। चलिए, पूरे शरीर का ख्याल, कौन से मसल्स का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, उसका ख्याल करते हुए स्ट्रेच कीजिएगा, रोकिएगा और फिर धीरे से नीचे। अगले राउंड में जब आप हम लोग ऊपर जाएंगे तब श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। शुरू करते हैं, श्वास लेते हुए हाथ सीधा एडियम पर, रोक लीजिएगा और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब आंखों को बंद कर लीजिएगा, हाथों को माथे पर ऐसे रख लीजिए तो आराम रहेगा। ये जो हम लोगों ने अभ्यास किया है, इस अभ्यास को हम लोग कल्पना करेंगे, केवल कल्पना करेंगे, शरीर में कोई क्रिया नहीं। और कल्पना कीजिएगा कि आपने एड़ियों को एकदम बढ़िया से उठा लिया है, हाथ भी पूरा उठा करके स्ट्रेच कर लिया है, एकदम ताड़ के वृक्ष की तरह लंबा हो गए हैं। कल्पना कीजिए केवल, और फिर धीरे से हाथ नीचे। अब हथेलियों को पलट लीजिए आसमान की तरफ। मन में जो हम क्रिया करेंगे और शरीर में क्रिया करेंगे, दोनों में तालमेल मिला करके करने का प्रयास कीजिएगा। आंखों को खोल लीजिएगा, आंखें बंद करेंगे तो बैलेंस जा सकता है। अब धीरे से हाथों को उठा लीजिएगा और मन में भी, आप दोनों एक साथ, हाँ, मन में भी कल्पना कीजिएगा, होल्ड एंड देन डाउन, हाथ पलट लीजिएगा, हाथ नीचे, बगल में, आंखें बंद। और फिर से चेतना हमारे पूरे शरीर पर ले आइए। शरीर के अलग अलग अंगों में कहाँ खिंचाव, कहीं तनाव, कहीं सूक्ष्म कुछ प्रभाव, क्या हो रहा है, स्ट्रेच कहाँ पड़ा था, कहाँ बैलेंस होने के चलते पैर में कहीं थोड़ा हल्का दर्द हो रहा है, पूरे सारे शरीर का ख्याल। इस अभ्यास से श्वास प्रश्वास पर जो प्रभाव पड़ा उसका ख्याल कीजिए। और मन में उठने वाले विचार, भावना, स्मृतियां, उनका ख्याल कीजिए।
चेतना को पैरों में ले आइए। फिर से ख्याल कीजिएगा दोनों पैरों पे समान खड़े हैं या नहीं, और फिर धीरे से आंखों को खोल करके सब लोग धीरे बैठ जाए। एक आसन किए, एक छोटा सा प्राणायाम करें, और ये बहुत सरल प्राणायाम है, सब लोग कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, भौरे की तरह हम लोगों को गुंजन करना होगा। इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। जब तनाव बहुत होता है, मन बहुत विचलित हो जाता है, ये प्राणायाम बहुत उपयोगी होता है। क्या करना है, सीधे बैठ जाना है, दोनों हाथों को पहले देख लीजिएगा, कंधों के स्तर पर लेके आ गए, तीन उंगलियां बंद कर लिए, केहुनी को मोड़ करके कानों को, अभी बंद मत कीजिए नहीं तो कुछ सुनाई नहीं देगा, हैं? तो अभी 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 आपको करना है तो उंगलियों को कान के ऊपर ऐसे सटा दीजिएगा, कान बंद कर देंगे। जैसे अगर कोई कुछ बोल रहा है और हम सुनना नहीं चाहते हैं तो हम कान बंद कर देते हैं, बचपन में बहुत करते थे बच्चे, एकदम कान बंद कर देते हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, वैसे कान बंद कर लेना है और भ्रमर की तरह हम लोगों को गुंजन करना है। गुंजन करते समय एक चीज का ख्याल करना है, हमारे जो ऊपर के दांत की लाइन है और नीचे की दांत की लाइन है उनमें थोड़ा अंतर रहना चाहिए, लेकिन होंठ बंद होने चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, ऐसे नहीं, आराम से जितना आप मुंह में गैप करेंगे उतना आपका वाइब्रेशन स्ट्रांग होगा। चलिए हम तीन बार करेंगे, कान बंद कर लीजिएगा, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते समय गुंजन करेंगे। कानों को खोल दीजिएगा, आंखें बंद हैं, हाथ घुटनों के ऊपर, आंखों को बंद रखते हुए अपने मस्तिष्क में, मुंह में, छाती में, पेट में जो स्पंदन उत्पन्न हुए हैं उनका ख्याल कीजिए। और फिर धीरे से आंखों को खोल, अभ्यास के पहले और अभ्यास के बाद में क्या परिवर्तन, आपको कुछ परिवर्तन अनुभव हुआ, रिलैक्सिंग हो जाता है, और कुछ होता है, एनर्जी, नींद आने लगती है ना, हाँ, क्यों नींद आती है, आपने सही चीज बताया, हमारे जीवन में अनेक तनाव होते हैं जो हम धोते चलते हैं, और जब आप ये करते हैं वो सब तनाव निकल जाते हैं, और जब तनाव हट जाते हैं सबसे पहले जो होता है आदमी रिलैक्स हो जाता है, और जहां रिलैक्स हो जाता है ये अभ्यास स्पेशली जो यंग लोग हैं एग्जाम के पहले या इंटरव्यू के पहले या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन के पहले आप करके जाइएगा, आप देखिएगा आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है, और जो मन में होता है वो शरीर में भी होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग चीजों को हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, अब योग से हम लोगों ने इतना तो देख लिया कि योग हमको इसमें मदद कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है, थोड़ी देर के लिए इस पर हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। केवल आपने बोल दिया कि दवाई खा लो तो ठीक हो जाएगा, उससे वैज्ञानिक लोग मानने के लिए तैयार नहीं, वैज्ञानिक लोग कारण पूछेंगे। ये आप आसन किए, आपको अनुभव तो हुआ पहले और बाद में अंतर पड़ता है, ये क्यों पड़ता है,
एक्सरसाइज और योग में अंतर क्या है? एक्सरसाइज भी लाभ है लेकिन योग उससे अधिक फायदा करता है। क्या फायदा करता है? तन और मन जुड़ता है। हाँ, तन और मन जुड़ के करते हैं तो उसमें थकान नहीं होती है। यस, लेकिन अगर हमको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करनी है तो हम इसको कैसे बतलाएंगे? न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यू आर वेरी क्लोज। हमारे पूरे शरीर को और मन, शरीर को, भावनाओं को, जीवन को चलाने वाले कौन लोग होते हैं, कौन से संस्था होते हैं? नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या सिस्टम है? रेस्पिरेटरी। नहीं, जो कोऑर्डिनेटिंग करता है अपना मज्जा। एंडोक्राइनल सिस्टम, हार्मोन्स। हार्मोन्स दो चीज होते हैं और एक तीसरी चीज होती है इमोशंस। ये तीनों जो होते हैं ना, ये पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं और इनके हमारे मस्तिष्क में कुछ अलग अलग सेंटर्स होते हैं। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तो आप मस्तिष्क के इन सेंटर्स पर प्रभाव डाल रहे हैं। बाहर में आपने स्ट्रेचिंग किया लेकिन जब आप शारीरिक सजगता के साथ कर रहे हैं, एक होता है कि आप केवल कर लिए मैकेनिकल, लेकिन जब अवेयरनेस के साथ करते हैं तो आपके ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक सिस्टम। मतलब क्या होता है? वो सिस्टम जिससे कि आपको मालूम है कि आपको अगर बोल देंगे कि आंखें बंद कर लीजिएगा और नाक को छू दीजिएगा, आप नाक को छू सकेंगे या कान के पास चला जाएगा हाथ? वो सिस्टम काइनेस्थेटिक सिस्टम है जो आपको बतलाता है कि आपका हाथ कहाँ जा रहा है। ये सिस्टम को आप एक्टिवेट करते हैं और ये सिस्टम आपके ब्रेन के सभी सेंटर्स को कोऑर्डिनेट करती है। दूसरा है ब्रीदिंग के साथ में, ब्रीदिंग का, इमोशंस का और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक का बहुत गहरा संबंध है। तो इस प्रकार से हम मस्तिष्क के सभी सेंटर्स को सिंक्रोनाइज करते हैं। जब सब चीज को सिंक्रोनाइज करते हैं तो जो हम लोगों ने पहले बात की थी, अलाइनमेंट गड़बड़ा जाती है, अलाइनमेंट फिर से वापस मैच हो जाता है। इस चीज के लिए अनेक बार आपने क्या किया? केवल ताड़ासन किया लेकिन मन शांत, आपने केवल भ्रामरी किया, मन शांत हो गया, तब ताजा हो गया, आपको याद आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अंदर में प्रभाव किया है। क्रिया बाहर में होती है, प्रभाव अंदर में होता है और अंदर में प्रभाव होने के कारण पूरे शरीर में उसका परिवर्तन होता है। ये चीज जो है ये योग का आधार तत्व है और उसमें अलग अलग क्रियाएं अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स होते हैं, उसको कंट्रोल करने वाले सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम्स होते हैं, उनको हम योग के द्वारा, आहार के द्वारा, जीवन शैली के परिवर्तन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और योग से हम जो चौथी चीज है, मन के वृत्तियों को कंट्रोल करना, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति वाला चीज जो है, हम जानते हैं कि मीठा नहीं खाना है लेकिन मेरा मन मीठा ही खाने को करता है, क्या करें? हमको ऐसा चीज करना है जिससे मन अपने से कहे नहीं भाई अभी मीठा खाने की जरूरत नहीं है। जब मन बोल देगा तो हमको दिक्कत नहीं है। ये चीज हम लोगों को करना है तब अपने से बीमारियों से उठेंगे। और अंत में एक चीज कहेंगे, हमारे जीवन का उद्देश्य बीमारी से हटना नहीं है। किसी को भी पूछ लीजिएगा, जो आप लोग हैं, जो ऑनलाइन भी हैं, आपके जीवन का उद्देश्य, अगर किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपके जीवन का उद्देश्य केवल बीमारी हटाने का है क्या? आपके, आपको क्या, अगर आपको बोलेंगे कि भगवान आए हैं
और आपको एक वरदान देंगे तो आप क्या वरदान मांगेंगे? बीमारी हटाने का वरदान मांगेंगे या कोई और चीज का मांगेंगे? आपको जो एकदम प्यारा चीज है उसी को तो मांगेंगे ना। बीमारी हटाना अनलेस इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर इज नॉट हाई ऑन आवर प्रायोरिटी। हमारे जीवन में कुछ हमको पाने की इच्छा होती है, उसको हम लोग पाने के लिए हमारा माध्यम क्या है? ये शरीर है, और वो पाने के लिए हमको शरीर ठीक करना है, ये हमको समझना है। तो हमको क्या पाना है, उस दिशा में हम कैसे अग्रसर हो, ये जब हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे तब अपने से बीमारी को ठीक करने का मन होना शुरू होगा। ये कैसे करना, क्या करना, कैसे नहीं करना, ये चीज जो है वो योग, आयुर्वेद के जीवन शैली के तत्व और मॉडर्न मेडिसिन के एकत्रीकरण करने से हम लोग कर सकते हैं। समय होते जा रहा है, हम लोग यही थोड़ा सा रुकते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल है, एनी क्वेश्चन आंसर्स, एनी डाउट्स, 5-10 मिनट उसके लिए है, उसके बाद में फिर विश्राम करें। इफ यू हैव एनी डाउट्स आइदर ऑनलाइन और एनी ऑफ यू, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस एंड कैन डिस्कस इट। What is the right time to do all this? May I? Yeah. Sangeeta also has raised her hand. I will answer this question and then come to you, Sangeeta. Sir, please repeat the question. Please repeat the offline question. Yeah, I will call out the question. What is the right time to do yoga? That was the question. The question is very good, and the most important thing is we should do yogic practices. Ideally, the classical practices should be done on an empty stomach. Best if it is done in the early morning. That time is very conducive. But when we are using yoga as a means of getting rid of the imbalances, then दवाई आप कैसे खाते हैं? एक गोली सुबह, दोपहर, शाम। उसी प्रकार से दिन में 3 बार या 4 बार या 5 बार योगा के ये जो कैप्सूल हम बताएं, 10 मिनट 15 मिनट का कैप्सूल कर लेना है आपके बीमारी के लिए। So ideally in the morning, but in this situation you can do it at specific times, multiple times in the day. That is also बंद करें चौथा दिन, but not after eating. मतलब खाना खाने के कम से कम 2-2.5 घंटे का gap रखने से अच्छा। Yes, I think Sangeeta, you had asked a question. Can you unmute yourself and ask the question? Swami ji, namaskar. मी संगीता पतंगे, वय वर्ष 57। मला रुमटॉइड अर्थरायटिसचा त्रास एकरी 15-1 वर्ष तरी आहे, 15-20 वर्ष। पण मध्यंतरी माझं सेल्युलायटिसचं ऑपरेशन झालं पायाच्या पोटरीवर, काफ मसलवर, आणि त्याच्यामुळे माझ्या मुवमेंट रिस्ट्रिक्ट केल्या होत्या। आणि आता माझे ऑलमोस्ट सगळे जॉईंट लॉक झाले जमाय। मी योगाच्या प्रॅक्टिस करते, मी टीचर्स ट्रेनिंगचा डिप्लोमा करते GMM बरोबर। व्हेरी गुड। मला बराचसा फरक आहे, पण जॉईंट्स वरती कंट्रोल आणण्यासाठी काय करता येऊ शकेल? व्हेरी गुड क्वेश्चन। देर आर टू आस्पेक्ट इन दिस, आय विल कव्हर देम। सगळ्यात पहिले म्हणजे जेव्हा आपल्याला काही आजार असतो तेव्हा, आणि हे फक्त तुमच्यासाठी नाही सांगून राहिलेलं आहे, सगळ्यांना सांगून राहिलेलं। आय विल रिपीट द क्वेश्चन इन हिंदी। देर इज दिस लेडी, ये है महिला है जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। वो योग का अभ्यास करते थे, उसके साथ साथ उनको पैर में कुछ ऑपरेशन हो गया जिसके चलते कुछ दिनों तक उनको कुछ अभ्यास नहीं करने के लिए बताया। और जब ये चीज हो गई
तब उन लोगों को अब उनके लगभग सब जॉइंट्स लॉक हो गए, योग का अभ्यास भी करती हैं, अब क्या करना चाहिए, जॉइंट्स को ओपन करनी चाहिए। सबसे पहले आपको आपके बीमारी को पूरी तरह देख करके ही हम आपको पूरा जवाब दे सकेंगे। मतलब उस प्रकार से जैसे कोई बोलता है कि हमको धुंधला दिखाई देता है तो आंख के डॉक्टर अपना चश्मा निकाल करके नहीं दे देते हैं, ये चश्मा ले लो बेटा, ये चश्मा से मुझे बहुत मदद हो गया, तुमको भी मदद होगा। नहीं, आपका नंबर मेरा नंबर अलग रहेगा, तो हर एक चीज को चेक करके बतलाना चाहिए, लेकिन जनरल प्रिंसिपल्स बतलाते हैं। सबसे पहले योग, आपको आर्थराइटिस है इसलिए आप योग कर रहे हैं, मतलब आर्थराइटिस के लिए अलग योग है, फिर आपका बदहजमी के लिए अलग योग है, फिर आपको नींद नहीं आती है इसलिए अलग योग है, ऐसे नहीं होता है। योगा इज अ होलिस्टिक साइंस, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। जब आपके जोड़ों में प्रॉब्लम है तब आपके भावनाओं में भी प्रॉब्लम है, आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, अलग अलग जगहों में, अलग अलग जगहों में दिक्कत होती है। तो हम लोगों को सब चीज को एक साथ देखना है और अटैक करना है। निश्चित रूप से चूंकि हमारे जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गए हैं तो हम लोगों को बहुत सरल अभ्यास से शुरू करना चाहिए। आपके लिए विशेष करके पवन मुक्तासन भाग एक वो आपको करना चाहिए, लेकिन केवल मैकेनिकली नहीं। बहुत बार हम देखे हैं आजकल योग को एक्सरसाइज के रूप में करते हैं, तब उसको एक्सरसाइज जितना ही फायदा होता है। योग का पूरा अगर हम लोगों को फायदा करना है तो गुरुजी बोलते थे उसको 5 डायमेंशंस में करना चाहिए। 3 डायमेंशंस तो हम लोगों ने ताड़ासन के साथ करके देख लिए, शारीरिक सजगता, श्वास प्रश्वास की सजगता, मानसिक सजगता, 2 और डायमेंशन से, ये 3 हो जाएंगे तब उनको हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये 3 डायमेंशन के साथ कोई भी आसन कर रहे हैं कीजिएगा, आप देखेंगे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है, जनरली आजकल हम लोग देखते हैं, हम लोग सब लोगों में डिहाइड्रेशन थोड़ा थोड़ा होते रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत लोग पानी कम पीते हैं। पानी ज्यादा पीजिएगा, ये प्रॉब्लम कम होने में मदद होगा। आपके आहार में आपको थोड़ा सा नियंत्रण लाना पड़ेगा। जहां तक हो सके सूर्यास्त के बाद ना खाएं अच्छा है। आजकल हम सब लोग, पहले सब लोग करते थे, आजकल सब लोग भूल गए हैं, केवल हमारे कुछ कुछ भाई लोग हैं, बहन लोग हैं जो इसको बड़े कड़े इससे करते हैं। हमारे यहाँ एक समाज है जैन समाज, आज भी बड़े श्रद्धा के साथ उसको पालन करता है, और इसीलिए उनको ये इसका फायदा होता है। ये हम लोगों को करना चाहिए। और फिर कुछ प्रैक्टिसेस हैं, आपका अगर आप हमको डिटेल्स भेज देंगे तो देख करके हम आपको बता सकेंगे। तो ये चीजों को आपको देखना है कि यू हैव टू एड्रेस एवरीथिंग इन होलिस्टिक मैनर एंड स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो। आप पवन मुक्तासन का अभ्यास भी कीजिएगा। एक बार गुरुदेव स्वामी निरंजनानंद जी की बात बताते हैं, बहुत बहुत साल पहले जब वो ग्रीस में गए थे, वहां पर उनको लोगों ने कहा था क्रिया योग का अभ्यास कराने के लिए। क्रिया योग एक बहुत एडवांस है, उसको कहते हैं लोग, जिन लोगों ने किया था कि क्रिया योग के लिए आसनों को, कौन सा आसनों को स्वामी जी ने चूज किया, पवन मुक्तासन, जो लोग सोचते हैं बहुत आसान है, लेकिन वो आसान नहीं है। जब आप पवन मुक्तासन ठीक ढंग से करते हैं तो आप मस्तिष्क के सब सेंटर्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होता है। तो सिंपल प्रैक्टिस से शुरू कीजिएगा, लेकिन सिस्टम को ठीक से फॉलो कीजिएगा। थोड़ा आसन, थोड़ा प्राणायाम, रिलैक्सेशन, मेडिटेटिव, ये चीज कीजिएगा। आहार का, जीवन शैली का, वो आप करेंगे तब। थैंक यू स्वामी जी। मी सध्या टीचर्स ट्रेनिंग चा डिप्लोमा करते घंटाळी मित्र मंडळ ठाणे बरोबर, आणि त्याचा मला बराच फायदा आता झालेला आहे। तरी मी आता काठी घेऊन चालते, माझी इच्छा आहे की मी बिना काठी
चालू शकावो इरादे नेक और हौसले बुलंद थैंक यू आपको अपने से प्रयास करना पड़ता है केवल गोली खाने से नहीं होता है थैंक यू देयर इज वन क्वेश्चन फॉर हाइपोथायरॉइडिज्म For hypothyroidism, which are the asanas and pranayam which are good? Hyperthyroidism. See, thyroid is a hormone which is secreted from the thyroid gland, and it is one of the most important hormones for our metabolism. And there are multiple practices which can have an impact on this. Without knowing the condition completely, it is not appropriate for me to say what practices you should do. But two practices which you can easily do, which will certainly help. One is the Bhramari Pranayam, which I told you, that will help. Second, which will help you, will be म्यूजिक आसन वगैरह तो आपको देख करके वंस आई सी व्हाट इज योर कंडीशन जैसे संगीता जी ने बताया उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उनको हम लोग कुछ अलग आसन बतलाएंगे तो कर नहीं पाएंगे दिस नो पॉइंट इन इट सो आई नीड टू इंटरैक्ट विद यू टू नो व्हाट वुड बी गुड फॉर यू बट वन थिंग विच इज वेरी यूजफुल इन थायरॉइडिज्म इज म्यूजिक बिकॉज यू हैव टू सिंग Does not matter if you have got a very sweet voice. Does not matter if you have got a bad voice. Even if you do simple notes, Sare Gama Padha Nisa, Sani Dhapa Maga Resa. Do it for 15 minutes every day. You will see that within a month, you will have a very significant impact on your thyroid problems. Because music is something which works not only with emotions, but it also works with your metabolic system. Which asana is good for high blood pressure and how many times do we do Tadasana? See, any asana you should do at least three times. Once with physical awareness, once with breath awareness, once with mental awareness and then you do it in multiples of three teen bar kijiye chhe bar kijiye nau bar kijiye 12 bar kijiyega maximum 15 bar matlab har ek stage mein 5 bar kijiyega wo ultimate hai lekin hum abhi jahan hai hamari sharir ki kshamata jaisi hai wahan se shuru kijiyega 3 bar se shuru kijiyega dheere dheere 6 bar kijiye dheere dheere 9 bar kijiyega dheere dheere badhate jaiyega apne sharir ko sunte जाइएगा अपने शरीर को देखते जाइएगा उसके आधार से करते जाइएगा बहुत अधिक मत कीजिएगा बीमारी हो सकती है बहुत ख्याल करते हुए करना चाहिए तो वो है और ब्लड प्रेशर के लिए योग निद्रा बहुत फायदेमंद है और उसके साथ साथ आप योगिक श्वसन भ्रामरी ये दो अभ्यास आराम से कर सकते हैं Which practices should be followed to activate and improve the digestive power when one has digestive problems? Again, we are not allopathic system for digestion. We have a different medicines for pain. We have a different medicine. Any practice you start, it is going to have impact all over. You do Nadi Shodhan Pranayam, you do yogic breathing, you do Pavan Mukta Asan, and you do Tadasan, Tiryak Tadasan, Pati Chakrasan. These are practices which are very simple, which almost everybody can do. And you will see that in a short time, you will have a difference in the digestive system.
I think. Yeah. The question was कि हम लोगों ने ये तो देख लिया है कि बीमारियों से जूझने के लिए योग का फायदा हो सकता है, लेकिन मेरे जीवन में जो मेरे जीवन के लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए मुझे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो इस पुरुषार्थ में मुझे योग मदद कर सकता है, निश्चित रूप से मदद कर सकता है, क्योंकि योग हमारे बेसिस को इम्प्रूव करता है, हमारे मन को, हमारे शरीर को और हमारे पूरे सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अगर हमको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हमको उसके बारे में कुछ विचार सोचना पड़ता है और उस दिशा में एकाग्रता से अभ्यास करना पड़ता है, वो नहीं होता क्योंकि हमारा मन कमजोर होता है, और योग से हम मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मन के अनेक ऐसे डायमेंशंस हैं जो अभी भी हमको मालूम नहीं है। अभी हमारे पास AK-47 है और हम उसको लकड़ी के तरह एक ठेला के रूप में यूज करते हैं, उसको बंदूक के रूप में कैसे यूज करना ये हम योग से सीख सकते हैं। हाउ वी कैन अनफोल्ड द पोटेंशियल्स ऑफ द माइंड इज टॉट बाय योगा, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एंड व्हेन यू प्रैक्टिस इट यू विल बी एबल टू मेक द डिफरेंस। सीधे बैठ जाइएगा, रीढ़ की हड्डी सीधी, सर, गर्दन, कंधे, पीठ सब एक सीध में, हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें हल्के से बंद, सर से लेकर के पैरों का ख्याल, श्वास प्रश्वास का ख्याल, और अपनी चेतना को भूमध्य में फिर से ले आइए। यहां पर एक चमकते हुए ज्योति का ख्याल करते हुए हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, शांति शांति हरि ओम। हरि ओम तत्सत। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ लीजिए, हथेलियों को बंद आंखों पर रख करके उष्णता का अनुभव हथेलियों से आंखों में, आंखों से मस्तिष्क में और मस्तिष्क से पूरे शरीर में। फिर धीरे से दोनों हाथों को हटा लीजिए, आंखों को खोल लीजिएगा। हरिओम तत्सत। नमो नारायण। जय। इसके साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और
जाने के पहले हरीश जी के साथ में जो बात हुई थी, आप सब लोगों को बतला दें कि अगले हफ्ते से 3 और 4 तारीख से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए हम लोग एक क्लास करा रहे हैं, जो लाइव सेशन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा और रिकॉर्डेड भी होगा, जिसमें हम आपको मदद करेंगे अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जीवन में सुख शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए भारतीय विद्या भवन में हरीश जी से या शिल्पा जी से आप संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी। हाँ, कल सुबह में 8 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसको अंग्रेजी में हमने बोला है बिकम एन एल्डर नॉट जस्ट ग्रो ओल्डर, और हिंदी में अगर कहें तो ज्ञान वृद्ध और तपोवृद्ध बने, केवल वयोवृद्ध नहीं। उम्र तो बढ़ते जाती है लेकिन ज्ञान नहीं आता है। पुराने जमाने में जो बुजुर्ग लोग होते थे उनको ज्ञान का भंडार मानते थे, आजकल जब हम लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको हम लोग साइडिंग में डाल देते हैं, और अपने जीवन में शारीरिक कठिनाई तो होती है लेकिन मानसिक क्लेश और कुंठाएं बहुत बढ़ जाती हैं। वो वहां से लेकर के एक विद्वान पुरुष या विद्वान स्त्री, विदुषी स्त्री तक यात्रा कैसे हम तय करें, उसके विषय में कल एक सुबह में यहाँ भारतीय विद्या भवन में कार्यक्रम होगा। वैसे ऑनलाइन कार्यक्रम तो चल ही रहा है लेकिन इन पर्सन ये कार्यक्रम सुबह में 8 से 9:30 कल होगा, और फिर हर महीने के आखिरी वीकेंड, चौथा वीकेंड हो या पांचवा वीकेंड हो, यहाँ भारतीय विद्या भवन में अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। हरिओम तत्सत, नमो नारायण।